शिव योगिनी, कर्म योगिनी, रणरागिनी, महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्याबाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। समय का चक्र घूमता जा रहा था। राजसी वस्त्र और अलंकार मैंने त्याग दिए थे और श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे। भाल पर बड़े से कुंकू के बदले चंदन का टीका लगाने लगी थी और गले में तुलसी माला धारण करने लगी थी। अब मालेराव और मुक्ता की देखभाल और प्रजा का हित मेरे जीवन के यही दो उद्देश्य थे। बाबा साहेब, सासू माँ और मैं अपने हृदय पर पत्थर रख अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो रहे थे। एक दिन अचानक सुना कि कुछ लोग मेरे सती न जाने की वजह से मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैंने राजसी वैभव के मोह की वजह से सती न होकर धर्म के अवहेलना की थी। लगा जैसे किसी ने हृदय में नस्तर चुभो दिया हो। ये अप्रिय आरोप बाबा साहेब के कानों तक भी पहुंचा। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और क्रोध से गरजते हुए सभी दरबारियों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने सुनवाई पर दोषारोपण किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सच कहते हैं, जिंदगी धूप छांव का खेल है। कभी तो जिंदगी में खुशियाँ बूंदों की झड़ी लगाती है, कभी दुखों की धूप अंतर्मन को झुलसाती है, कभी सुखद घटनाएं जिंदगी में फूलों की तरह खुशबू फैलाती हैं, कभी चांदनी आंगन में शीतलता बरसाती है। शायद यही जिंदगी का रूप है जो बारिश की धूप में खिलकर इंद्रधनुष के रंगों में भिगो देता है। बाबा साहेब के मन से खंडेराव जी के मृत्यु का दुख दूर नहीं हो पा रहा था। पानीपत के पराजय की वजह से भी उनका मन अत्यंत दुखी था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम सत्ताधारियों का सम्मिलित मोर्चा निश्चित जीत दिलवाता, परंतु पेशवा सेनापति सदाशिव के अहंकारी वृत्ति और अनुचित व्यवहार से कई मराठा सरदार नाराज हो गए। भीषण युद्ध में दोनों ओर के हजारों सैनिक मारे गए। बाबा साहेब ने दो दिन पूर्व युद्ध बंद करने की सलाह दी तो सदाशिव राव ने बाबा साहेब की सलाह को अनसुना कर दिया और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। सैनिकों के साथ उनकी पत्नियां भी गई थीं। उन्होंने सोचा पति युद्ध क्षेत्र में रहेंगे पर वो तो तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। सैनिकों के परिवार की वजह से युद्ध पर अतिरिक्त खर्चे का भार बढ़ गया था। उसकी वजह से सैनिकों को रसद कम पड़ने लगी, बारूद कम पड़ने लगा और सैनिकों की शक्ति क्षीण होने लगी। ऐसी परिस्थिति में और सैनिकों की आवश्यकता थी। नाना साहेब पेशवा से संपर्क किया गया पर वे अपने चौथे विवाह में व्यस्त थे। सैनिकों का मनोबल कम होने लगा और कुशल नेतृत्व के अभाव में
युद्ध क्षेत्र में निर्णय गलत होने लगे। अंग्रेजों की संगठित सेना के सामने मराठा सैनिक टिक नहीं पा रहे थे। पानीपत की लड़ाई में करीब 1 लाख सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय मैं ग्वालियर में थी। कई जगह विद्रोह के स्वर उठने लगे। बाबा साहब को आज्ञा मिली कि सैनिकों के परिवार को लेकर तुरंत लौट आए। पानीपत की हार की वजह से जनहानि तो हुई ही, धन हानि भी बहुत हुई। उसकी पूर्ति करने उत्तर भारत की मुहिम का निर्णय लेना पड़ा। उस मुहिम में राघोबा दादा, महाजी शिंदे, तुकोजी राव और माले राव भी शामिल थे। पानीपत के युद्ध में हार का दोषारोपण बाबा साहब पर लगाया गया, जिसकी वजह से उनका अंतर्मन बहुत दुखी था। उन गलत आरोपों की वजह से उनकी श्रीमंत पेशवा के प्रति निष्ठा पर आँच आई थी। उनका दुख सासू माँ भी सह नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत गिरने लगी थी। श्रीमंत पेशवा के प्रति बाबा साहेब की निष्ठा अटूट थी। उसे उन्होंने प्राणपण से निभाया भी था और अनेक युद्धों में सिद्ध भी किया था। पानीपत में मिला अपयश का दोषारोपण न वे भुला पा रहे थे और न ही सासू माँ। अनेक घटनाओं का साक्षी बन समय चक्र घूम रहा था। अचानक संदेशा मिला कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा ब्रह्म में विलीन हो गए। सासू माँ और बाबा साहेब के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। श्रीमंत पेशवा की आत्मा की शांति के लिए बाबा साहेब दान धर्म कर रहे थे। सासू माँ की तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा था। वैद्य निरंतर औषधियाँ दे रहे थे। मैं शिवजी से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी। सासू माँ के रूप में मातृत्व का साया मेरे सिर पर था। उनसे जिंदगी के पाठ सीखे थे। वे खासगी की काफ़ी रकम दान धर्म में खर्च करती थी। इसके अलावा साहूकारों को भी व्यापार के लिए सहायता करती थी। खासगी के रुपयों का उपयोग किस तरह किया जाए, ये उन्हीं से सीखा था। सासू माँ को उनके भाई नारायण राव जी ने उदयपुर राणा द्वारा दिए गए परगने का आधा हिस्सा दे दिया था। सासू माँ ने खासगी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। राजकन्या उदाबाई और राजकन्या सीताबाई भी सासू माँ के करीब ही थी। राजकन्या उदाबाई स्वामी से बड़ी थी। उनका विवाह मालवा युद्ध के भागीदार अधिवत राव के वीर पुत्र नारायण वाघमारे से हुआ था। उदाबाई साहब को प्रतिमाह कुछ रकम दी जाती थी, जो प्रायः दान धर्म में खर्च होती थी। उदाबाई साहब के निवास पर एक विशाल बावड़ी भी बनाई गई थी, जहाँ एक गुप्त तलघर था, जहाँ संकट के समय 200 व्यक्ति सुरक्षित रह सकते थे। राजकन्या सीताबाई साहब का विवाह विसाजी लांभाते के परिवार में हुआ। उन्हें जीरापुर के पास की जागीर दी गई थी। फिर मैंने उनके निवास पर अष्टभुजा धारिणी देवी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। सासू माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। उनके शरीर की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। मैंने उनके थरथराते हाथों को अपनी हथेलियों में लिया और उनसे कहा, सासू माँ, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने कहा, अहिल्या,
राज्य की जवाबदारी अब तुम पर है। सूबेदार जी भी थक गए हैं। अब उदाबाई, सीताबाई, मालेराव मुक्ता, सूबेदार जी, सभी की जिम्मेदारी भी तुम पर है। प्रजा के हितों की रक्षा करना, किसी के साथ अन्याय मत होने देना, खाजगी का सारा धन दान धर्म में लगाना। उदाबाई साहेब और सीताबाई साहेब ने सेविका से लेकर उन्हें औषधि पिलाई, लेकिन शाम होते होते उनकी सांसें रुक रुक कर चलने लगी। लेकिन न प्रार्थना न औषधि कुछ भी काम नहीं आ पाए और सासू माँ ने अंतिम सांस ली। उदाबाई साहेब और सीताबाई साहेब दोनों बिलख उठी। मैंने दोनों को गले लगा लिया। हम तीनों के सिर से जैसे मातृत्व का साया हट गया था। बाबा साहेब के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। सासू माँ ने उनका हर कदम पर साथ दिया था। फिर चाहे वो राजकाज हो या युद्ध क्षेत्र हो, आखिर हृदय पर पत्थर रख उनको अंतिम यात्रा के लिए विदाई दी। बाबा साहेब अपनी जीवन संगिनी के बिछोह से टूट गए थे। मैं उनके पास बैठकर उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करती। उन्होंने एक दिन कहा, सुन भाई, सच में मुझे गौतमाबाई रानी साहब का बहुत सहारा था। उन्होंने मुझे हमेशा वीरता के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। श्रीमंत पेशवा जी के प्रति उनको भी बहुत आदर था। पेशवा दरबार में होलकरों के राज्य भक्ति हमेशा सम्मानित रही है। हमारा सैन्य संगठन, सैन्य संचालन और युद्ध कौशल का लोहा शत्रुओं में भय उत्पन्न करता था। मैं उत्तर भारत के अनेक राजाओं से चौथ वसूली करता था। हमारी सेना भारत के राजपूत, जाट और मुस्लिम राज्यों की सेनाओं को खदेड़ते हुए चारों ओर बढ़ती रही। जयपुर के महाराणा को पराजित कर हिंगलाजगढ़ के किले पर होलकरी ध्वज लहरा दिया। यह युद्ध 2.5 वर्ष चला था। बाबा साहेब शून्य में देखते हुए आगे बोले, पर अहिल्या, राज्य का वैभव बढ़ाने के लिए मुझे अपने आप को संभालना ही होगा। आखिर संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी भी तो हम पर है। अपने कर्तव्यों को याद कर बाबा साहेब ने उत्तर दिशा की मुहिम के लिए प्रस्थान किया, लेकिन क्लांत मन और शरीर उनका ज़्यादा साथ नहीं दे पा रहे थे। पानीपत की पराजय का दोषारोपण उन्हें बेचैन किए हुए था। मुहिम के दौरान ही आलमपुर में वे जब विश्राम के लिए रुके, तब कर्णशूल की तीव्र पीड़ा ने उन्हें त्रस्त करके छोड़ा। आखिर अपने हृदय के शल्य को हृदय में ही लिए हुए उन्होंने अंतिम विदा ली। पहले सासू माँ और अब बाबा साहेब दोनों मुझे राज्य की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अपनी शूरवीरता के दम पर 52 युद्ध के विजेता जिंदगी की जंग हार गए। स्वामी गए, सासू माँ गई और अब वट वृक्ष के साये के समान बाबा साहेब भी चले गए। उनका साथ आशीर्वाद की तरह मेरे सिर पर था। अब उनकी दी हुई शिक्षा ही मेरे जीवन का आधार थी। बाबा साहेब के साथ
द्वारका बाई साहेब सासू माँ और बना बाई साहेब सासू माँ सती हो गई। अब तो मुझे हरकू बाई साहेब सासू माँ का ही सहारा था। अब मेरा पूरा ध्यान मालेराव पर केंद्रित था। मालेराय स्वयं भी बाबा साहेब के बहुत प्रभावित थे। बाबा साहेब उनके आदर्श थे। मराठा राज्य पर जब धीरे धीरे अब्दाली का संकट बढ़ गया था, ऐसे संकट के समय जब मालेराव 16 वर्ष के थे, उन्होंने युद्ध में सहयोग देना शुरू कर दिया, जिससे उनकी योग्यता में वृद्धि हुई थी। बाबा साहेब को ईश्वर आज्ञा होने पर मैंने मालेराव को संवेदना व्यक्त करते हुए पत्र लिखा। चिरंजीव मालेराव, हमने तुमको 2-3 पत्र भेजे हैं, उनके अनुसार चित्त में समाधान रखो। अब शोक करने का समय नहीं है, अब तुम्हें राज्य का कार्यभार संभालना है, इसलिए विवेक करके कामकाज में चित्त लगाकर काम करें। जिस प्रकार तीर्थ स्वरूप कैलाशवासी सरदारी चलाते थे, उसी प्रकार अपने पैर जमा कर उनके अनुसार कामकाज चलाकर पिता के समान लौकिक हो, वही काम तुम करोगे। अब कोता अंदेशा दूर करके आगे पर नजर रखकर जो पिता की कीर्ति है, उससे भी अधिक संपादन करोगे, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तात्या की मर्जी से व्यवहार करो। मालेराव को बाबा साहेब के बाद पुणे दरबार से सूबेदार का हक मिलना था। उन्हें प्राप्त करने मालेराव अपने दीवान गंगोवा तात्या चंद्रचूड़ के साथ पुणे गए। बाबा साहेब के जाने का दुख पुणे दरबार को भी था, साथ ही साथ उत्तर भारत की समस्याओं से जूझने के लिए योग्य व्यक्ति और सेना की आवश्यकता थी। इसलिए पुणे दरबार ने मालेराव के नाम नई सनद जारी की। मालेराव का राज तिलक हो गया। श्रीमंत पेशवा जी का मुझे पत्र मिला। सरकार के पिछले हिसाब को पूरा करके मालेराव होलकर तुम्हारी ओर आ रहे हैं। पूर्व के अनुसार इंतजाम करें। मालेराव के साथ मातबर फौज सरंजाम देकर कार्तिक मास तक रवाना करें। आगे की चिंता न करें। आज तक सूबेदार जी ने अपने स्वधर्म का पालन किया, मालेराव भी उसी निष्ठा से सेवा करेंगे। मालेराव पर हमारा पूर्ण विश्वास है। पूर्वानुसार मालेराव का सम्मान रखकर हिंदुस्तान का कामकाज उनसे लिया जाएगा। मालेराव के लिए सनद आ गई थी, पर मैं अपने आप को सतर्क रखना चाहती थी। भले ही होलकर राज्य की जिम्मेदारी अधिकृत रूप से मालेराव पर सौंप दी थी, लेकिन मैंने राज्य पर से अपना नियंत्रण नहीं हटाया था। न जाने क्यों मुझे लगता था राज्य की सेवा मेरी ही जिम्मेदारी है। इसलिए सिद्धेश्वर का स्मरण कर मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं राज्य के प्रति अपनी निष्ठा अंतिम समय तक निभाऊंगी। मालेराव पर सूबेदारी की जिम्मेदारी आने के कारण वे कामकाज की तरफ काफ़ी ध्यान देने लगे थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उनसे मिलने आने लगे थे। एक समय था जब मालेराव दोस्तों के साथ मिलकर बहुत शरारतें करते थे। कई ब्राह्मणों को वे पाखंडी समझते थे। उनको दान में दी गई वस्तुओं में जहरीले कीड़े रखकर उन्हें परेशान किया करते थे। मालेराव को हाथियों की जल क्रीड़ा देखने का भी अत्यंत शौक था। इन हाथियों के लिए पाला बांधकर
नदी का पानी रोक लेते थे, वहीं हाथियों की जल क्रीड़ा देखते थे। लेकिन अब मालेराव में काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब मुझे उनसे काफ़ी उम्मीदें बनने लगी थी। राज्य कार्य के अलावा वे मुझे देख धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि लेने लगे थे। निहाल कर्ण मंडलोई गंगा प्रदक्षिणा करने चल पड़े थे। मालेराव ने यात्रा मार्ग में अपने सारे कर्मचारियों को आज्ञा दी, निहाल कर्ण मंडलोई यात्रा के लिए चल पड़े हैं। उनके साथ 50 लोग, 500 असामी और 10 डोलियां हैं। उन्हें बेरोक टोक जाने दिया जाए। जहां वे पड़ाव डालेंगे वहां पहरा देकर उनकी सीमा से उन्हें सुरक्षित पार करवा दें। मालेराव को कार्यभार सौंपने की कोशिशें कामयाब हो रही थी। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद कमा विस्तार, तहसीलदार आदि मालेराव से सम्मानपूर्वक पेश आने लगे थे, अपने प्रदेशों की जानकारी उन्हें देने लगे थे।